हाय फ्रेंड्स, आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और आज मैं आपको कुछ किचन टिप्स बताने वाली हूँ। ये पहला टिप्स रील का है। ये रील हमारी ये उलझकर बेकार हुई हैं और ये धागा वेस्ट ही चला जाता है, तो हम इनको धागों को लपेट करके इसे अंदर करके धागे को बीच से निकाल कर दबा कर कस देते हैं ताकि खुले नहीं, और इस पर टेप लगा देते हैं। और सभी रीलों को ऐसा ही करना है, और हमने ये सब रील ऐसा ही कर ली है। अब लंच बॉक्स में इन्हें संभाल कर रख देते हैं। हमारे बच्चों के जब ये लंच बॉक्स यूज़ में नहीं आते हैं तो इनका ये अच्छा यूज़ है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम ये मसाले के डिब्बों को देखते हैं। तो ये मसाले के डिब्बे जब हम मसाला निकालते हैं अक्सर इन्हें ऐसे ही खुला रख देते हैं, तो इनमें या तो ये बिखरने लगते हैं या फिर इनमें नमी आ जाती है, तो इसलिए हम इसे दोबारा से टेप लगाकर बंद करके रख सकते हैं और इससे हमारा मसाला सेफ रखा रहेगा। आपके पास मसाला क्या और भी किसी चीज़ का पैकेट हो तो उसमें भी यही करें। और अब तीसरा हैक है हमारा मयूर जग को लेकर, और इसमें कूल कूल पानी भर करके रखें और इसमें दो तुलसी की पत्तियां डाल दें ताकि हमारा पानी अच्छा बना रहे और इसमें पॉजिटिविटी आ जाए। और इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, इससे पानी में खुशबू भी बन जाती है और ये पानी बहुत ही अच्छा है। और अगली ट्रिक है मेरी पैसों को लेकर के, कि हमें मनी को कैसे सेव करना है, और ये सेविंग हमें बहुत काम आती है। तो इस तरह से रख करके ऊपर से कोई भी पॉलीथीन में सामान रख दें ताकि लगे कि इसमें पॉलीथीन में कुछ रखा है, पैसों का पता ही ना चले। ये जो कढ़ाई होती है इनके हैंडल अधिकतर ढीले पड़ जाते हैं, तो आप इन्हें पेचकस से ज़रूर कसें, नहीं तो इनका गिरने का डर लगा रहता है। ये मिक्सी का जार का ढक्कन है। अब इसे क्लीन कैसे करना है हम ये बताएंगे, और इसे ये कितना गंदा है और इसमें गंदगी फंस जाती है। तो अब हम ये लिक्विड डिटर्जेंट निकाल रहे हैं, तो इसे कोई भी ख़राब टूथब्रश ले लें और इसे गीला करके इस पर रगड़ करके अब इससे हम ढक्कन को क्लीन करेंगे और इससे सारी गंदगी निकल जाएगी, जो भी इधर उधर फंस जाती है सब निकल जाएगी। इस तरह से आप देखोगे कि ढक्कन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और इस तरह से रगड़ रगड़ के साफ करें। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी वीडियो को अंत तक देखें, इसके बिल्कुल ना करें। और आप मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं ये मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको थैंक यू कह सकूं। तो ये अगला एक है मेरा चाय की पत्ती को लेकर। ये चाय की पत्ती जो बच जाती है हमारी जब हम चाय बनाते हैं, तो इसे फेंकें नहीं, ये बहुत ही अच्छा उर्वरक का काम करेगी। इसे धो करके इसमें मीठा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसे आप अपने प्लांट में डाल दें। और ये नींबू है, ये नींबू का हमारे फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसे हम पानी के घड़े में डाल दें तो आपका पानी डिटॉक्स वाटर का काम करेगा। ये बहुत ही अच्छा पानी हो जाता है और पानी घड़े का ख़राब भी नहीं होता, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू।